हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम ऋषिकेश। देखिए अभी लगभग सुबह के 4 बज रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने बस जहां से खुलने वाली है, जहां से हमें बताया गया था कि यहां से बस खुलेगी, वहां पे हम पहुंच चुके हैं लगभग 1 घंटा पहले। रीज़न ये था कि हमें रात भर नींद नहीं आई, मुश्किल से हमें 1 घंटा सोया होगा। और मैं ये नहीं चाहता था मैं लेट हो जाऊँ और बस में मुझे सीट मेरी पसंद की ना मिले, इसलिए मैं 1 घंटा पहले आ गया कि बस आते ही मुझे अपने पसंद की सीट लेनी है। और जो हमारे बस की जो रूट रहेगी ना, वो ऐसा होगा कि हम रुद्रप्रयाग और श्रीनगर एक उत्तराखंड में भी है, वो सारा होते हुए हम गोविंद घाट की तरफ जाएंगे। उसके बाद शायद हमारा आज वहाँ पे नाइट स्टे होगा गुरुद्वारा में। उसके बाद फिर हम कल सुबह ट्रक स्टार्ट करेंगे। तो अभी का सीन यही है कि बस आने का इंतज़ार करते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय की दुकान है यहाँ पर, और उसके बाद फिर बस आते ही सीट लेंगे और यहाँ से निकल पड़ेंगे हेमकुंड साहिब की तरफ। सिर्फ हेमकुंड साहिब नहीं है, उधर वैली ऑफ फ्लावर्स है, बहुत सारी घूमने की जगह है। तो जब मैं उधर जा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। थैंक यू भैया। उसी बात ये कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी टैक्सी लगी है, तो आप यहाँ पे सुबह के टाइम में, दिन भी नहीं सुबह के टाइम में आएंगे तो आपको ईज़िली शेयर टैक्सी मिल जाएगा, जिसका किराया लगभग 1000 रुपये है, मैंने अभी पता किया। और अगर आपको बस से जाना है तो आपको एक दिन पहले यहाँ पे गुरुदेव ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ है, वहाँ पे जाकर के रजिस्टर कराना पड़ता है। फिर वो आपको ना शाम में बुलाएंगे और शाम में आपको कंफर्म करेंगे कि आपकी सीट है कि नहीं है। तो मैं शाम में गया था, मुझे मिल गया था सीट और उसका किराया लगभग 720 रुपये था। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप बस से भी जा सकते हैं और शेयर टैक्सी भी जा सकते हैं। बस में भी दो ऑप्शन है, एक 700 रुपये वाला है, एक 720 रुपये वाला है। 720 रुपये वाला ये है कि उसमें जो सीट है वो पीछे हो जाएगी और आराम से आप लेट सकते हैं, और जो 700 वाला है उसमें वो सीट आगे पीछे नहीं हो सकती। तो चलिए बस आ गई है ना, देखते हैं अगर मेरी बस आ गई है तो फिर बैठ जाते हैं। वैसे ये मेरा पहला धार्मिक यात्रा है। बड़ी अजीब बात है ना कि मैं मुस्लिम हूँ और जो मेरा पहला धार्मिक यात्रा हो रहा है वो सिखों वाला हो रहा है। सुबह सुबह इतना कुछ बोल दिया तो ये भी बोल देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाइए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और हम और भी अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। ये देखिए, ये जी हमारा बस, और इसमें कोई भी नहीं आया, पहले बंदे हम ही हैं। और अब हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ मन चाहेंगे वहाँ बैठेंगे। कहाँ बैठा जाए, यहाँ बैठते हैं। तेल कम डालना, ठीक है? हाँ, तेल एकदम कम करना, अच्छे से पका देना। तो ये ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 7:08, 5:30 में निकली थी वहाँ से बस। हम थोड़ी देर आगे आए हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रोका गया है। लगभग अभी तक हमने 50 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, अभी हमें लगभग 210 के आसपास अभी और करना है, मतलब शाम के 5 बजे हम लोग पहुँचेंगे यहाँ से। हो गया, लग गया भाई। हम जब वहाँ से निकले गुरुद्वारा से, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि जो हीरो होंडा स्प्लेंडर से निकल रहे हैं। जब आप ऐसे धार्मिक यात्रा को देखते हैं ना, तो एक जो जज्बा होता है लोगों के अंदर, वो एक अलग लेवल का होता है। तो मैंने भी वही देखा, कुछ लोग अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं स्प्लेंडर लेकर के, कुछ स्कूटी लेकर के निकल रहे हैं।
भाई ऐसा है कि गुरुद्वारा जो ऋषिकेश में था वहाँ से निकले हुए लगभग 3 घंटा हो गया और हमने लगभग आधा से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे एक गुरुद्वारा है जहाँ पे लंगर चल रहा है। और मैं बता रहा आपको कि मैंने जगह जगह पे देखा कि यहाँ पे लोग लंगर चला रहे हैं। ये अच्छा है, ये सही है, यही होना चाहिए। यहाँ पे शरबत का भी निज़ाम है, दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के ये शरबत बनाया है। इस गर्मी में ऐसे शरबत पीने का ना एक अलग मज़ा है भाई। यहाँ पे आपने जैसे देखा कि यहाँ पे लंगर लग रहा, वैसे हमारे और सिखों में बहुत एक चीज़ है ना सिमिलैरिटीज दिखती है कि एक तो इनका पहनावा और नवा भी बड़ा सिमिलर है हमारे। ये भी कुर्ता पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं, हमारे इसमें भी है कुर्ता पहनना पगड़ी बांधना। इनकी औरतों का पहनावा और नवा, हमारे यहाँ की भी औरतों का पहनावा और नवा दोनों बहुत मिलता जुलता है। ये भी पगड़ी बांधते हैं, हम भी पगड़ी बांधते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग नहीं बांधते, लेकिन बांधने का हुक्म है, बांधना सुन्नत है। लेकिन शादी में जब जाते हैं लोग तो पगड़ी बांध के जाते हैं। तो ये सारी थोड़ी बहुत हमें सिमिलैरिटीज़ मिलती जुलती है। तो चलिए, ये था यहाँ पे लंगर, हमने वैसे खाया नहीं। थोड़ी देर पहले ड्राइवर साहब जो थे हमारे वहाँ पे ढाबा पे रोक दिए थे, तो हमने आलू का पराठा वहाँ पे खा लिया था। तो हमने यहाँ पे सिर्फ है ना प्रसाद जो होता है वो खाया और शरबत पिया। तो अब चलिए देखते हैं, यहाँ से बस है ना हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, निकलते हैं यहाँ से और सीधा पहुँचते हैं गोविंद घाट। देखिए भाई, सीन ऐसा है कि अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं फाइनली गुरुद्वारा। एक वही गुरुद्वारा है जहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी हमारी सुबह में। और सुबह 5 बजे निकले थे वहां से, 5:30 में बस खुली थी और यहां लगभग हम 5 बजे पहुंचे, अभी टाइम लगभग 6 बज रहा है। और दूसरी बात ये कि जर्नी काफ़ी अच्छी रही, रोड काफ़ी अच्छा था। कल रात में हम सिर्फ 1 घंटा सोए थे और बस में पूरी बस सोते हुए आए, मतलब आधे घंटे की नींद आ रही है फिर उठ रहे हैं, आधे घंटे की नींद आ रही है फिर उठ रहे हैं, इस तरीके से मतलब ये जर्नी रही हमारी। और अभी का सीन ये है कि अभी हम यहाँ गुरुद्वारे में आए हैं, तो गुरुद्वारे में हमें बेड मिल गया है, लेकिन वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैं सोच रहा कि एक रूम ले लेते हैं। देख रहे हैं 3-4 लड़के हम मिलके देख रहे हैं, अगर मिल जाता है सही रेट में 2000 के आसपास तो हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे, 500 पड़ेगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन अभी तक ऐसा रूम अभी मिला नहीं है, 2-3 होटल हमने देखा लेकिन बात नहीं बनी अब तक। तो चलिए फिर है ना कोशिश करते हैं रूम का, अगर रूम मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर है ना उसी हॉस्टल में रह लेंगे। हॉस्टल क्या, जो गद्दा बिछा करके जैसे हम वहाँ पे कहते थे हॉल, उस टाइप का यहाँ पे हॉल है तो वहाँ पे रह लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये कि यहाँ पे फिर रात में भी नींद ना आए, क्योंकि जब आप हॉल में होते हैं वहाँ पर बहुत तरह के लोग होते हैं और हर लोगों का अपना अपना सोने का टाइमिंग होता है, कोई मोबाइल चला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो इसलिए नींद में थोड़ी सी खलल पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, पहले देख लेते हैं रूम, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हॉल में रह लेंगे। तो ये सर आज का सीन था, तो ये ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया। जल्दी से आप फ्रेश होएंगे और सोने की तैयारी करेंगे खाना वाना खा के। तो आई होप कि आज का ये जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल मिलते हैं ना हेमकुंड साहिब ट्रैक पे आपसे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।